को जो है पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह से पूरी की जा रही है? तैयारी स्थल पे ही खड़े हैं, देख रहे हैं। और आज मैं मीटिंग लेके आया हूँ, तीन जगह की कल है। निरंतर गाँव में भी इसी तरह के कार्यक्रम दिग्विजय के चल रहे हैं। दुष्यंत की सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मीटिंग चल रही है, जहाँ जहाँ जिसको जो दायित्व तो सौंपा गया है वो अब बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। और रैली जो है वो ऐतिहासिक होगी। किस तरह का भविष्य मानते सर, जेजेपी का जो भीड़ होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी? उससे प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और जनशक्ति के बलबूते पे हमने दिखाया कि 9 महीने पहले पैदा हुई पार्टी ने 10 विधायक जहाँ चुन करके भेजे, वहीं 17.5% वोट हासिल किए। निरंतर उसके बाद पंचायत के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हो, उसमें हमारी पार्टी ने वोट में इजाफा किया है। ये इस बात को इंगित करता है कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। जेजेपी की तमाम नीतियां, तमाम जितने भी फैसले हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला लेते हैं, क्या भविष्य में गठबंधन जारी रहेगा अगले चुनाव तक? निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बनी थी तब हमारे राजनीतिक विरोधी कहा करते थे ये 15 दिन चलेगी, कोई कहता था महीने चलेगी, कोई कहता था 6 महीने चलेगी। 3 साल से स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत आपको महसूस हुई? और आगे भी 2 साल इसी तरह चलेगी और अगले टर्म में भी चलाएंगे। सर, एक सवाल उठता है कि जो वादे किए थे जेजेपी बीजेपी ने गठबंधन के बाद जो है, वो खासकर सवाल उठता है बुढ़ापा पेंशन पर, जो वादा किया था क्या? हमने कहा और दुष्यंत ने भी 2 दिन पहले उस बात को दोहराया है, हमने 60% प्रोमिसज अपने पूरे किए हैं। आगामी 2 वर्ष में 40% भी पूरा करेंगे, 100% पूरा करके ही लोगों में वोट मांगने जाएंगे।